हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारियाँ होती है, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में फॉर्म डाले थे, फॉर्म भरे थे, उनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ और क्या उनको एडमिशन नहीं मिलने का क्या क्या कारण हो सकता है, ये सभी हम लोग जानेंगे। आप लोग समझ लें, अगर इसमें से आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग जाके स्कूल में फिर से बोल सकते हैं कि मैं मैं एलिजिबल हूँ। और बहुत सारे स्कूल में इंटरव्यू के माध्यम से भी एडमिशन लिया गया है, तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, इसका जो कारण है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सामने सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, स्कूल के करीब रहने वाले और अंग्रेजी माध्यम के पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता। तो जो भी बच्चे हैं जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या उनको नहीं एडमिशन मिला है, तो इसमें से कुछ उनका कारण हो सकता है कि अगर वो स्कूल से नज़दीक नहीं है और वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के नहीं आए हैं तो भी उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्राथमिकता। लॉटरी वाले दिन रद्द फॉर्मों की मिलेगी जानकारी। अब जिस दिन लॉटरी निकलेगी उसी दिन आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों का फॉर्म क्यों रद्द किया गया था, क्योंकि आप लोग स्कूल से 4 किलोमीटर के अंदर के दायरे में नहीं आते हैं, या अलग अलग स्कूल के अलग अलग कैटेगरी बने हुए हैं, वहाँ के दायरे में अगर आप नहीं आते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है और पात्रता रखते हैं, तो वे अगर ये जो भी बता रहा हूँ मैं उसमें देख लें, अगर उसमें से वो पात्रता रखते हैं तो उनका ज़रूर एडमिशन हो जाएगा, लगभग ये तय है। क्योंकि और बाकी जो भी बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू के माध्यम से हुआ है, तो वो तो जानते हैं कि उनका इंटरव्यू हुआ है, इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अगर आप लोगों का लॉटरी में नाम नहीं आता, तो ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है और फिर भी नहीं आता, तो एक बार आप जाकर स्कूल में पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मापदंड होने चाहिए स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश के लिए। पहली बात तो बीपीएल के छात्र छात्राओं को किलोमीटर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई का मापदंड करने वाले का एक ग्रुप बनेगा। 40 सीट में से उनके लिए 10 सीट रिजर्व होंगे। अधिक छात्र होने पर लॉटरी निकालकर चयन किया जाएगा। मतलब ये बीपीएल छात्रों को, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं और वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो उनका 10 सीट रिजर्व करके रखा गया है 40 सीट में से। बचा आपके पास 30 सीट। ठीक है, अब अंग्रेजी स्कूल में छात्राओं के लिए 50% सीट रिजर्व है, इसलिए उनको 40 में से 20 सीट प्रवेश देने में दूरी अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई के मापदंड को पूरा करने वाले ग्रुप बनाया जाएगा। अब देखिए 30 सीट बच गया। अब 30 सीटों में से 15 सीट तो अकेले जो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए और बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, वे छात्र मतलब कि गर्ल्स लोग, ओनली गर्ल्स के लिए 15 सीट रिजर्व हो गया। आपके पास सीट ही नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि 40 सीट टोटल है इस एक सब्जेक्ट का। अगर एक सब्जेक्ट का 40 सीट है, तो उसमें 20 सीट तो छात्र जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद शेष 10 सीटों में छात्र और छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें एसटी एससी बीपीएल एपीएल जनरल ओबीसी छात्राओं का दूरी और अंग्रेजी माध्यम के मापदंड को पूरा करने वाले का ग्रुप बना जाएगा। फिर जो बचा आप लोगों का 10 सीट या 15 सीट, उसमें आप लोगों को एसटी एससी बीपीएल एपीएल जनरल ओबीसी छात्रों को जो भी है प्रवेश दिया जाएगा। तो आप लोग अगर समझ सकते हैं कि इन सभी में आप लोग अगर आते हैं तभी आप लोगों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में हो सकता है। देखिए, सरकार ने बोला है कि जो भी सीटें रहेंगी उसका 50% लड़कियों के लिए रहेगा, 50% लड़कों के लिए रहेगा। उस जो 40 सीट हैं उसमें से 10 सीट तो बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रहेगा, जो कि बिलो कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाके उसको जरूर फॉलो कर लें, जिससे कि आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं।